हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम द चैनल फिजी कैम एकेडमी। सो गाइस, आज ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली आईटी जैम 2021 में कितना रैंक चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं आईएससी बेंगलोर में, आइजर में, नाइजर्स में, एंड इवन आप जैम क्वालिफाई करके जॉब में भी जा सकते हैं, वो भी आईआईटीज में। कैसे होगा ये सब कुछ फटाफट से समझते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ आर टाइम। तो देखो, सबसे पहले जो रैंक रिक्वायर्ड है साइंस इंस्टीट्यूट्स के लिए वो आईसी बेंगलोर की अगर हम बात करते हैं। सो गाइस, यू कैन रीड दिस। जनरली स्टूडेंट्स अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड देन 10 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स। जनरली आईसी बेंगलोर में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड उनमें से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होगा। अब सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता है, कभी कभी रिटन एग्जाम भी होता है। अभी लास्ट टाइम ड्यू टू कोविड एंड ऑल इंटरव्यूज के थ्रू ही डायरेक्टली हो गया था 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, बट बाकी रिटन टेस्ट भी होता है यहाँ पे। ओके, ये बात किया, बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट दैट यू नो ऑलरेडी, आईएससी बेंगलोर। तो अगर आपकी रैंक 100 के अंदर अंदर है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर आईएससी बेंगलोर। यू शुड अप्लाई फॉर दीज एटलीस्ट, राइट। दूसरा जो बात है वो है आइजर्स में। आइजर्स बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है अगेन। तो ये जो आइजर है इसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक अगर 1000 के अंदर अंदर है, तो जितनी भी आइजर्स हैं पूरे इंडिया में, जितने भी आइजर्स हैं सब जगह पे अप्लाई करो। क्योंकि जो आइजर्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, वो जितने भी एप्लीकेशन आती हैं सभी स्टूडेंट्स को कॉल कर लेते हैं, सभी को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। अब उन सब में से वो उन सबको एक टेस्ट दे देते हैं छोटा सा, है ना। तो उस टेस्ट से शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आगे लेकर जाते हैं। तो आप अगर ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर अंदर आ गए हो तो आइजर्स को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है कि मैं इसका एप्लीकेशन ना भरूं, आपको भरना है। तीसरी चीज, नाइजर। अगर आपके 60+ मार्क्स आ जाते हैं आईटी जैम में तो आप नाइजर के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। नाइजर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ओके फॉर यू नो इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो ये सारी चीजें होंगी जो कि हमारे साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटी से भी ऊपर, मैं इनको कहूंगी, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं, अब अपने जॉब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस, यस, अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाइड हो, स्पेशली मैं बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाइड हो तो भी आपको प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए रिक्रूट करती हैं आईआईटीज। जितने भी, देखो, यू कैन रीड दिस, नाउ इट इज मेनी टेक्निकल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स आर रिक्रूटिंग project staff in which they are allowing BSc physics candidates. So if you have a qualification certificate that you will be preferred over non-qualified certificates, matlab jo students IIT JAM qualified hain they will be preferred over the people those who are non-qualified candidates. So isme aapko jo salary hota hai wo 18 to 25K hota hai, aur ye projects hote hain chote chote jinko hum internships bhi kai bar kehte hain, chote chote projects, project assistant aap bante hain, to isse aapko kafi acha यू नो अमाउंट ठीक ठाक मिलता है, बट अमाउंट से ज़्यादा आपको यू नो एक्सपीरियंस मिलेगा आईटीज में काम करने का और हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में काम करने का, और इसका ड्यूरेशन 3 to 6 months होता है। तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। तो मुझे यही अपडेट देनी थी आपको गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस तरह की और भी चाहिए शॉर्ट वीडियोज बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट्स और टॉपिक्स के साथ में, तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।